नमस्कार। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं खूबसूरत क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाई लुकिंग एट द लाइट मेक्स अस स्निच। जब हम एक प्रकाश की ओर दिखते हैं, एक लाइट की ओर दिखते हैं, तो अचानक हम लोग को छींक आती है। आखिर ऐसा क्यों? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपना अदालत को। इस सवाल का जवाब को जानने से पहले आप लोग को यह जानकारी होनी चाहिए कि छींक क्यों होता है, आई मीन स्नीजिंग क्यों होता है। इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये वाला हिस्सा को कहते हैं हम लोग नेसल कैविटी। इसके अंदर जो कैविटी बना हुआ है उसको हम नेसल कैविटी कहते हैं। इस नेसल कैविटी से कई सारे नर्व निकल के हमारा ब्रेन तक जाता है और ब्रेन के साथ कनेक्ट कराता है। इस नर्व को कहते हैं ट्रिजेमिनल नर्व। इस प्रकार का नर्व आप लोग का इस वाला हिस्सा से, आई मीन आंखों से भी निकला हुआ है और मुंह से भी निकला हुआ है, राइट। जब इधर किसी भी प्रकार का इरिटेशन होती है, कुछ हलचल होती है जो कि हमारे बॉडी के लिए सुइटेबल नहीं है, इस तरह का अगर एक्टिविटी होती है, तो उसी टाइम यहां से एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है। उसके बाद ये ब्रेन तक चले जाता है। ब्रेन उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, उसके बाद लंग्स को डायरेक्ट कमेंट करता है, जिसके चलते लंग्स से हवा 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड में बाहर निकल के आता है, जिसको हम कहते हैं छींक, आई मीन स्नीज। लेकिन ये आंख में लाइट पड़ने पर हमको स्नीज क्यों होता है, छींक क्यों होता है, ये थोड़ा जानने वाली बात है। लाइट के चलते जो छींक होता है उसको हम कहते हैं फोटिक स्नीज। क्या कहते हैं? फोटिक स्नीज कहते हैं। इस डायग्राम को बड़े गौर से देखिए, ये हमारा आंख है, ये हमारा नाक है और ये नेसल कैविटी है। जब यहाँ पे लाइट अचानक गिरता है तो उसी टाइम इस एरिया में इरिटेशन क्रिएट होती है। पहला वाला डायग्राम में हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे ट्रिजेमिनल नर्व है और ये ट्रिजेमिनल नर्व यहाँ से मैसेज लेकर ब्रेन तक जाता है। ब्रेन के साथ ये कनेक्टेड है, जैसे कि नाक के साथ कनेक्टेड है ना, ऐसे ही आंख के साथ भी ये कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे जो भी इरिटेशन क्रिएट होता है उसका मैसेज ब्रेन तक पहुंच जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे जब इरिटेशन क्रिएट होता है तो नेसल कैविटी में भी इरिटेशन क्रिएट होने लगता है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है नासून नक्रिमल डक्ट के मदद से। मतलब ये अंदर से अंदर ये कनेक्टेड है। यहां पे अगर इरिटेशन हुआ तो यहां पे भी इरिटेशन होगा। यहां से मैसेज ब्रेन तक जाता है और आंखों से भी मैसेज ब्रेन तक जाता है। दोनों को इंटरप्रेट फटाफट करने के बाद ये लॉन्ग स्कटर मारता है और जिसके चलते हवा एकदम फोर्सिबली बाहर निकल के आता है, जिसको हम स्नीज कहते हैं। और ये लाइट की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटिक स्नीज। ये जो फेनोमेना आपने समझा, ये फेनोमेना हर एक इंसान में देखने को नहीं मिलता है। ये हेरिडिटरी होता है, जीन के म्यूटेशन के कारण होता है, कुछ ना कुछ जीन में बदलाव के कारण होता है। अगर आपके खानदान में किसी में अगर इस टाइप का फेनोमेना अगर दिखने को मिला है तो आप में भी दिखने को मिल सकता है। हर एक इंसान में ये फोटिक स्नीज नहीं होती है।